नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। प्रतापगढ़ में बूथ पर दंगा होने का एक पूरा मामला सामने आया है, जहां समय रहते सीओ सदर तन उपाध्याय और वीर दारोगा विनोद कुमार दंगाइयों पर कड़ी कार्रवाई करते थे, तब तक बूथ पर उपद्रवियों का तांडव देखने को मिला। पीठासीन अधिकारी की जान बचाने वाली परिवार को भी पुलिस ने आरोपी बना लिया। पीठासीन अधिकारी ने थाना अध्यक्ष को आवेदन देकर तथा फोन करके मनीष जायसवाल और उसके परिवार को बताया कि शांतिप्रिय और उसकी जान बचाने वाला परिवार प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे मनीष जायसवाल को वीर दारोगा विनोद कुमार थाना अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोपी बना दिया और जेल भेज दिया। हालांकि इन कारनामों से वो लगातार चर्चित रहता है। थाने का दरोगा विनोद कुमार अक्सर कई मामलों में पीड़ित को ही आरोपी बना देता है। दबंगों का हौसला बुलंद लगातार वो करता है। पीड़ित के परिजन ने वीर दारोगा विनोद और थानाध्यक्ष पर घूस मांगने का भी आरोप लगाया है। पीलीभीत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। कोरोना से 24 घंटे के भीतर 201 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 950 हो गई है। कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या में भी लगातार इजाफा देखने के लिए मिल रहा है। कोरोना से मरने वालों की अब संख्या 106 हो गई है। कोरोना एक बार फिर से हावी होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं जनपद में अब तक 441 संक्रमित मरीजों को होम आइसोलेट किया गया है। जनपद में तीसरे चरण का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 26 अप्रैल यानी कि कल होना है। जिला प्रशासन के लिए पंचायत चुनाव बड़ी चेतावनी बना हुआ है। मऊ जिले का जिला अस्पताल, जहां डॉक्टरों की लापरवाही पहले से ही उजागर है, ऐसे खस्ता हाल में हो चुका है कि जिला अस्पताल की वजह से लोगों की जान जा रही है और कोई अधिकारी ध्यान नहीं देने वाला है। ताजा मामला तब देखने को मिला जब इलाज के अभाव में एक मरीज की मृत्यु हो गई। बरपुर निवासी एक महिला को ऑक्सीजन की कमी होने के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर मरीज को देखने तक नहीं आया, जिसके बाद महिला की मृत्यु हो गई। मथुरा में कार गैराज के बाहर खड़ी गाड़ियों में अचानक भीषण आग लग गई, जिसमें कई गाड़ियां जलकर राख हो गई। रात करीब 12:30 बजे का एक पूरा मामला है, जहां पर कार केयर की दुकान के बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लग गई। आग की सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये पूरी घटना सदर बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत लाइफ लाइन हॉस्पिटल के सामने स्थित कार केयर टाउनशिप की है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश में पुलिस लाइन स्थित गेस्ट हाउस में एक अस्थायी मिनी अस्पताल खोला गया। एसपी ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बढ़ते मरीजों को देखते हुए एसपी ने यह पहल की है। अभी 7 बेड से ये मिनी अस्पताल खोला गया है। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।